मैं हूं प्रज्ञा, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मैट्रिक इंटर परीक्षा एडमिट कार्ड में आसानी से कराए सुधार। चलती ट्रेन से गायब हो गई 1 करोड़ की ज्वेलरी। बक्सर में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा। शिक्षा दिवस समारोह कार्यक्रम का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। कपिल देव ने भारतीय टीम को लगाई फटकार। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मैट्रिक इंटर परीक्षा एडमिट कार्ड में आसानी से कराए सुधार। अगर आप भी मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थी हैं और आपके एडमिट कार्ड में कुछ गड़बड़ी है तो आप गड़बड़ी का सुधार विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सहायक से करवा सकते हैं। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से गड़बड़ी में सुधार करवाने का समय 18 नवंबर तक निर्धारित किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कहा गया है कि छात्र हाई स्कूल एवं प्लस टू हाई स्कूल के सहायकों को पूर्व में मिले आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर अपनी गड़बड़ी को ठीक करवा सकते हैं। इसके साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि छात्रों के माता पिता के नाम में पूर्ण रूप से बदलाव नहीं किए जा सकेंगे। अंतिम संस्कार के बाद मृतक के बेटे ने किया बड़ा खुलासा। नवादा के मिर्जापुर मोहल्ला स्थित बिहारी घाट पर 6 सदस्यों का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिन्होंने सूदखोर से प्रताड़ित होकर अपनी जान दे दी थी। वहीं अब मृतक के बड़े बेटे ने मुखाग्नि देने के बाद बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि वे पापा से अक्सर बात किया करते थे और बात के दौरान पिता बताते थे कि जिनसे उन्होंने कर्ज लिया है वे अक्सर उन्हें परेशान करते हैं, जिस वजह से उनका जीना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही सूदखोर भाई और बहन को उठा लेने की धमकी भी दिया करते थे। बता दें कि अमित ने पुलिस से मांग की है कि वे ऐसे सूदखोर पर कड़ी कार्रवाई करें। हालांकि इस मामले में नवादा पुलिस ने अब तक 3 लोगों को अपने गिरफ्त में ले लिया है, जिनसे विशेष पूछताछ की जा रही है। महिला जज के खाते से गायब हुए लाखों रुपए। बीते दिन गुरुवार को सासाराम थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। आपको बता दें कि यह प्राथमिकी महिला जज के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए गायब होने को लिखा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि साइबर अपराधियों के द्वारा जिला व्यवहार न्यायालय की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी हिमशिखा के बैंक अकाउंट से कुल 1,53,499 रुपए की निकासी कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह निकासी 3 बार की गई है, जिसमें पहली बार में 99,999 रुपए निकाले गए, वहीं दूसरी और तीसरी बार में 15,000 और 38,000 रुपए की निकासी की गई। प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद पुलिस के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। चलती ट्रेन से गायब हो गई 1 करोड़ की ज्वेलरी। दुरंतो एक्सप्रेस के बाद एक बार फिर बिहार राज्य में चलती ट्रेन से 1 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी, 3 लाख रुपए की चांदी और 2 लाख रुपए कैश की चोरी हो गई है। वहीं ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को इस घटना की जानकारी तब मिली जब वे पटना जंक्शन पहुंचे, जिसके बाद रेल पुलिस थाने में चोरी के मामले में दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि चोरी की यह घटना राजस्थान के भगत की कोठी से असम के कामाख्या जा रही 15623 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन में घटित हुई। मिली जानकारी के अनुसार मनोज कुमार जैन, जो कि कामाख्या जा रहे थे, उनके साथ एसी के A2 कोच में यह घटना घटित हो गई। वहीं पुलिस को शक है कि जब ट्रेन आरा स्टेशन से खुली उसके बाद ही चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मनोज ने दावा किया है कि उनके सामान की चोरी पटना स्टेशन पर ही हुई है। एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की पुलिस ने बढ़ाई परेशानी। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की परेशानी पटना पुलिस ने बढ़ा दी है। बता दें कि पटना पुलिस ने 1 साल पहले एक कार्यक्रम में शामिल होने पर उनके घर के बाहर इश्तेहार चिपका दिया है। हालांकि इस मामले पर अभिनेत्री की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरा मामला वैशाली जिला के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के घर साल 2021 में हुए एक कार्यक्रम की है, जहाँ कार्यक्रम के दौरान फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मुन्ना शुक्ला, उनकी पत्नी अनु शुक्ला, बॉडीगार्ड और अक्षरा सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। यूजीसी उपयोगिता प्रमाण पत्र पर सुनवाई। राज्य के विभिन्न कॉलेजों द्वारा यूजीसी को उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने के मामले पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई की गई है और वकीलों की कमेटी बनाई गई है। बता दें कि बनाई गई इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट 4 सप्ताह में कोर्ट में दायर करनी होगी। इस मामले पर कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि यह गंभीर मामला है। इसके साथ कोर्ट ने सभी कॉलेजों को यह निर्देश दिया है कि सभी कॉलेज 2 दिन के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र यूजीसी के सामने प्रस्तुत करें। बताते चले कि राज्य में अंगीभूत और संबद्धता प्राप्त कॉलेजों की संख्या 325 है और अब तक कुल 124 करोड़ रुपए उपयोगिता प्रमाण पत्र यूजीसी को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। बक्सर में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा।
बीते दिन गुरुवार को बिहार के बक्सर में चल रहे सनातन सांस्कृतिक कार्यक्रम के चौथे दिन पद्म भूषण पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी के द्वारा घोषणा की गई है कि यहां सुबाहु का वध करते हुए भगवान राम की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी संकल्प लिया है कि यहां वामनेश्वर भगवान कॉरिडोर और अहिल्या माता मंदिर जीर्णोद्धार का भी निर्माण किया जाएगा और इसमें मंत्री से लेकर आम श्रद्धालुओं तक की भूमिका होगी। इसलिए अश्विनी चौबे के संसदीय क्षेत्र के परिवार से 9-9 रुपए लिए गए और बक्सर के जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। इस दौरान वहां श्री राम कर्मभूमि न्यास के तत्वाधान तथा केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के संयोजन तथा पूज्य जीयर स्वामी भी मौजूद रहे। लंबित मांगों पर अड़ा बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के द्वारा सरकारी डॉक्टरों की लंबे समय से लंबित मांगों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। बीएचएसए के महासचिव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव से इन विषयों पर बात करने और निवारण करने के लिए अलग अलग समय मांगा है। बता दें कि बीएचएसए की मांग है कि कार्यस्थल पर डॉक्टरों की सुरक्षा, होम पोस्टिंग आवंटित करने, ड्यूटी के घंटे तय करने, रिक्त पदों को भरने और विशेषज्ञ के संशोधित ग्रेड वेतन को लागू किया जाए। साथ ही सरकारी डॉक्टर्स बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का भी विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही उनकी यह भी मांग है कि राज्य सरकार विशेषज्ञ डॉक्टर के ग्रेड वेतन में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए और चिकित्सा की सभी रिक्त स्थानों को भर देना चाहिए। शिक्षा दिवस समारोह कार्यक्रम का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। आज बिहार की राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के मौके पर शिक्षा दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में वित्त मंत्री विजय चौधरी और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। बता दें कि इस कार्यक्रम में बच्चों की ओर से प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। बताते चले कि हर साल शिक्षा विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि भी दी। जानकारी के लिए बता दें कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 1888 में 11 नवंबर को हुआ था। कटिहार में बीजेपी नेता की हत्या पर बीजेपी आरजेडी आमने सामने। बिहार के कटिहार जिले में बीजेपी नेता संजीव मिश्रा हत्याकांड के बाद बीजेपी और आरजेडी आमने सामने आ गई है। बता दें कि भाजपा नेता की मौत के बाद उनके घर पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने इस हत्याकांड में पीएफआई कनेक्शन की आशंका जताई है। वहीं राजद के प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने कहा है कि इससे पहले भी 2018 में इस परिवार पर हमला हुआ था। उस समय उन्हें सिक्योरिटी गार्ड दिया गया था लेकिन इसके 2 महीने बाद हटा लिया गया, पर भाजपा सरकार ने इस मामले को लेकर अपनी सजगता नहीं दिखाई जिस कारण आज संजीव मिश्रा की जान चली गई और आज सम्राट चौधरी दोषियों को बचाने के लिए मामले को दूसरा एंगल दे रहे हैं। वहीं राजद प्रतिनिधि मंडल की ओर से यह आश्वस्त दिया गया है कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। किडनी देने पर बेटी रोहिणी आचार्य का पहला रिएक्शन। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जब से अपने पिता को किडनी देने का फैसला लिया है उसके बाद उनका पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हाँ, ये सच है कि मैं डेस्टिनी का बच्चा हूँ और पापा को अपनी किडनी देते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट इसी महीने सिंगापुर में होने वाला है। फिलहाल लालू यादव अपनी बेटी मिशा भारती के घर दिल्ली में है। बताते चले कि लालू यादव को किडनी समेत कई अन्य बीमारियां भी है जिसका इलाज वे लंबे समय से एम्स में करवा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव का ऐलान, करे नीतीश कुमार सुशील मोदी। अति पिछड़ों को राजनीतिक आरक्षण हाईकोर्ट के द्वारा दिए जाने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार को नगर निकाय चुनाव का ऐलान कर देना चाहिए। हाईकोर्ट के द्वारा अति पिछड़ों को राजनीतिक आरक्षण तो दे दिया गया है लेकिन अब तक यह सामने नहीं आया है कि नगर निकाय चुनाव के लिए आयोग की रिपोर्ट कब आएगी और चुनाव कब होगा। वहीं निकाय चुनाव तो टल गया है लेकिन आचार संहिता अभी भी लागू है जिस वजह से राज्य में शहरी विकास का काम नहीं हो पा रहा है और इन सारी बातों के जिम्मेदार नीतीश कुमार है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से चुनाव की तारीख की स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिए। राज्य के 35,000 छात्रों के 41,73,000 रुपए फंसे। पूरे राज्य से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा छात्रवृत्ति के लिए 35,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था जिसमें कुल शुल्क 41,73,750 रुपए एनसीईआरटी के पास जमा किए गए थे। वहीं शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था पर अभी तक इस शुल्क को छात्रों के पास नहीं लौटाया गया है जिसके बाद तमाम विद्यार्थी शुल्क वापस करने की जानकारी मांग रहे हैं। वहीं एनसीईआरटी की ओर से इस बारे में अभी तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि
एनसीईआरटी की ओर से 16 नवंबर 2020 से ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि घोषित की गई थी। वहीं इसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 जनवरी 2020 को होनी थी, लेकिन इसे कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर सितंबर 2022 में इसे परीक्षा को रद्द कर दिया गया। कपिल देव ने भारतीय टीम को लगाई फटकार। T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम की हार होने के बाद उन्हें दूसरा चौकस कहा जा रहा है, जिस पर 1983 में देश को विश्व कप दिलाने वाले भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने भी हामी भर दी है। उन्होंने कहा है कि हाँ, हम उन्हें चौकस कह सकते हैं, वे करीब आते हैं और फिर हार जाते हैं। वहीं उन्होंने खिलाड़ियों का बचाव करते हुए कहा कि खिलाड़ियों का दिन अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने दम पर देश का नाम रोशन किया है। इसलिए आप सभी भारतीय टीम की हार के बाद उन पर ज्यादा दबाव न डाले। मैं मानता हूँ कि भारत के प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन हम सिर्फ एक खेल के आधार पर अधिक आलोचनात्मक नहीं हो सकते। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल का रेट जारी किए गए, जिसके बाद गया, भागलपुर, दरभंगा, मोतिहारी, गोपालगंज, सहरसा, नवादा, अररिया, बांका, बक्सर, दरभंगा, मोतिहारी, गोपालगंज समेत सुपौल में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। जहां गया में पेट्रोल के भाव में 30 पैसे और डीजल में 27 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ, और भागलपुर में पेट्रोल 39 पैसे और डीजल 46 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हो गया है। वहीं राजधानी पटना में तेल की कीमत स्थिर है। राजधानी पटना में पेट्रोल और डीजल की कीमत 107.24 रुपए और 94.04 रुपए प्रति लीटर है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर और पूर्णिया जैसे शहरों में तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, जहां मुजफ्फरपुर में पेट्रोल डीजल के दाम में 14 पैसे और पूर्णिया में 11 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू गोलू कुमार, कुलदीप कुमार, भरत कुमार, रविशंकर, के सिन्हा, श्रीकांत कुमार, शंकर मुखिया, दिलनवाज यमी, विकास कुमार, उमेश ऋषिदेव, राजीव कुमार, अनवर करीम खान, मृत्युंजय कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद से बिहार के अस्पतालों में कितना सुधार हो पाया है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।